अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, हैरे से होंगे। बस हैरी करके ना वेट कर रही थी बच्चों के उठने का, तो उनके लिए बस अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया, उनको रेडी किया, उनको स्कूल भेजा और फिर जो है ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तकरीबन एक घंटे के लिए सोई थी क्योंकि मुझे आज जाना था शॉपिंग पे। अच्छा, रमज़ान से पहले अगर आप शॉपिंग कर लेना तो बहुत ईजी रहते हो। तो बड़ों ने सब ने कर ली थी, मेरी मामा भी मुझे कहती थी कि आके शॉपिंग कर लो, फिर रमज़ान में तुमने मुझे फिर बाज़ार के चक्कर लगवाने हैं। मेरा मसला ये था कि बच्चों का समर स्टफ़ इतना खास नहीं था, इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी आई, तो मैं फिर चुप कर गई थी। मैंने कहा थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो ना तो तब ही अच्छा स्टफ़ आएगा, अच्छी वैरायटी आएगी, तो फिर मैं लूँगी, तो मैंने तब डिले कर दिया था। मेरे जेठ वो घर पे होते हैं, अब्बू घर पे होते हैं और फिर जो है ना हस्बैंड भी घर पे होते हैं, तो आज जो है ना अब्बू की इफ्तारी बाहर थी और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी पे थे, बाहर ही थे, तो मैंने कहा आज जो है ना मेरे पास है टाइम तो मैं जाके शॉपिंग कर आती हूँ। शॉपिंग सुकून से होती है, आराम से होती है और टाइम निकाल के होती है। तो बस मेरे जेठ घर पे थे तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी इफ्तारी बना ली थी, जिसमें मैंने चटनी बनाई थी, कीमा बनाया था, रोटी बनाई थी, उसके बाद फ्रूट चाट बनाई थी और फिर मैंने उनसे बोला था कि समोसे पकौड़े अगर आपने खाने हैं तो वो आप बाज़ार से ले आएँ, क्योंकि वो तो नहीं थे इस टाइम में भी बना सकती और फिर उनको फ्राई भी करने पड़ते हैं। अभी जो है ना तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब मैं सारी चीज़ें बना रही थी, क्योंकि हमने 12:30 बजे निकलना था और मेरे भाई ने मुझे कॉल की थी कि हम 12:30 बजे आ जाएंगे, फिर हम इकट्ठे चलेंगे शॉपिंग पे। तो बस यहाँ पे रूफ सब मैंने रेडी करके रख दिया था और अब बना रही हूँ योगर्ट। भाई ने मुझे कॉल की थी कि रहने दो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, पर मेरा दिल नहीं था हमारा, अम्मी घर होती ना तो वो और बात थी, अम्मी मैनेज कर लेती कुछ ना कुछ। अम्मी भी घर पे नहीं थी, वो माशाल्लाह सोती हैं, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं था लग रहा कि मैं इस तरह से ना सारा कुछ ना कुछ रेडी करके जाऊँ। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था और फिर दिल को इत्मीनान था, सुकून था, सुकून से शॉपिंग की। और वाकई मेरी अम्मी ठीक कहती है ना कि रोज़ा रख के शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे कपड़े तो थे, मेरी जो अम्मी सास है सो दिया जाने से पहले उन्होंने ले के रख दिए थे, और मेरी जो मेरी अम्मी है उन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्यारा जे डॉट का सूट वो भी उन्होंने ले के रखा हुआ है, और एक मेरे हस्बैंड ने मुझे ले के दिया हुआ है। तो तीन सूट काफ़ी है, बंदा साथ साथ वैरायटी नई नई आती रहती है तो साथ साथ चेक करता रहता है। और बस ये सब कुछ रेडी था। मेरी बेटी की हालत देखें, मैं सुबह इसको इतना प्यारा रेडी करके भेजती हूँ, तो मैंने इसे पूछा क्यों या आपने अपनी हालत बनाई है, तो उसने बोला मामा मेरी ना किसी ने पौनी उतार ली थी स्कूल में। बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं और 1 बजे वापस आते हैं, इस टाइम उनको इतनी सख्त भूख लग रही होती है ना, तो मैंने बस उनके लिए फटाफट रोटी बनाई, उनको खाना गरम गरम दिया और फिर मैंने अपने बड़े बेटे से बोला कि आप दोनों छोटू को जो है ना रेडी कर दो। माशाल्लाह से उसने अच्छे से उन दोनों को रेडी कर लिया था। मेरी बेटी तो खुद ही कपड़े पहनती है, जो छोटा बेटा है ना उसको मेरे बेटे ने तैयार कर दिया था, उसको खाना भी खिला दिया था। तो मुझे याद आया कि मैं सहरी के लिए आटा गूंद लूँ ताकि ईजीली जो है ना मैं सहरी के टाइम उठ के बस सहरी बनाऊँ, बाकी मेरे काम जो है ना वो कम्प्लीट हो। सहरी के टाइम माशाल्लाह से सारे इकट्ठे होते हैं हम, मैं मेरे हस्बैंड मेरे ससुर और मेरे जेठ, हम चारों होते हैं। अच्छा जी, मैंने ना भाई के लिए रोटी भी बना के रख दी थी और उसको हॉट पॉट के अंदर फॉइल के अंदर लपेट के हॉट पॉट के अंदर रख दिया था ताकि वो शाम तक गर्म रहें और वो फिर खा लें। अच्छा, हम जो है ना निकल चुके थे अपने शॉपिंग के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। मैंने शॉपिंग की थी, कुछ मैंने लोकल शॉप से ली थी और कुछ ब्रांड से ली थी, जहाँ से जो चीज़ पसंद आ रही थी, जो मैचिंग में आ रही थी, जो अच्छी लग रही थी वहाँ से हम लेते गए हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी हर चीज़ की। राबी सेंटर पहले हम गए थे, वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी और फिर जो है ना हम लोग बाटा वगैरह पे, मेट्रो वगैरह पे गए थे, वहाँ से कुछ चीज़ें ली थी, बहुत अच्छी 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 चीज़ें थी। और जब रोज़ा रख के आप किसी को कहें ना कि बारगेनिंग करें ना तो फिर बंदा मान जाता है, अच्छे रेट्स में भी चीज़ें मिल गई थी। बच्चों के सैंडल्स जो है ना वो मैंने यहाँ से लिए थे, खेड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी, फिर मैं देख रही थी आगे गर्मी हो जाएगी
और वैसे मेरा बेटा शौक से नहीं पहनता, पर मुझे बहुत शौक था। फिर मेरी बहन ने लेके रख दी। कह रही थी जो चीज़ लेनी है लो, रोज़ा रख के ना इतनी वो नहीं होती। अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था और हमारे पास 5:30 बजे का टाइम था कि इफ्तारी से पहले पहले हमने वापस जाना है। और यकीन करें इतना रश था और मुझे जूते नहीं थे पसंद आ रहे। जूतों के मामले में मैं बहुत अजीब हूँ, पता नहीं, कोई शूज़ मेरे पाँव पे फिट नहीं आते, कोई खुले हो जाते हैं, कोई छोटे हो जाते हैं, तो मुश्किल से जाके मुझे शूज़ पसंद आते हैं। और जब पसंद आते हैं ना तो बहुत अच्छे आते हैं। और इतना रश था और लोग, मैं सोच रही थी कि हम सब कैसे हर वक्त कहते रहते हैं महंगाई है महंगाई है इतनी ज़्यादा। और जब रश देखे ना कि इतना रश और शॉपिंग्स के बैग जो है ना भरे हुए हैं, मतलब इंसान की जो ज़रूरतें हैं ना वो तो इंसान ने पूरी करनी ही करनी होती हैं। यहाँ पे हम वापस आके थे फ़ौरन से हमने इफ्तारी की तैयारी की। और चाची जो है ना वो मम्मी ने मटन कढ़ाई बनाई थी, उसके साथ रोटियाँ बना रही थी। और फिर जो है ना हमने देख दे दी चावलों की। मेरी बेजी माशाल्लाह से 23वां पारा जो है ना वो शुरू किया हुआ उन्होंने, और पढ़ने तो नहीं होता उनसे, एक एक वर्ड जो है ना जोड़ जोड़ के पढ़ती हैं, और फिर भी हमसे काफ़ी अच्छी हैं जो माशाल्लाह इतना उन्होंने पढ़ लिया है। अच्छा, यहाँ पे चावल बांट रहे थे पूरे मोहल्ले में, मेरा बेटा अपनी नानों के साथ, मेरी चाची और मम्मी के साथ, और मैं जो है ना पकौड़े फ्राई कर रही थी। इतना खास कुछ बनाया नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट डिशेज वो नहीं थी बनाई, हमने सिंपली पकौड़े बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी और मिल्क सोडा बनाया था, और बस। फिर हम दोबारा से शॉपिंग करने गए, मैंने अपने स्टाइलों से शूज़ लिए और मुझे पसंद आ गए थे जो। फिर हमने आइसक्रीम खाई और घर आते आते हमें तकरीबन 11:30 हो गए थे। अच्छा, मैं घर आ गई थी तो मैंने कहा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ मैंने क्या क्या लिया। तो मैं अपनी बेटी के लिए ईद का ये वाला सूट लिया था जो मैंने लोकल शॉप से लिया था, और मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे भी बच्चियों को पूरे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है कि बच्चियाँ कवर हुई हुई और पूरे कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उसके बाद जो है ना मेरी बेटी थोड़ी सी कमज़ोर है ना, मतलब वो इतनी हेल्दी नहीं है, तो उसको फुल फुल स्लीव्स और फुल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो सूट करते हैं उसमें और अच्छी भी लगती है। तो ये कुछ उसके मैंने कपड़े लिए थे, कुछ सऊदीया से आए थे तो मैंने कुछ जो शर्ट्स आई थी वहाँ से तो उनके साथ मैंने टाइट्स ले लिए थे, कुछ ट्राउज़र शर्ट्स थे, और ये ड्रेस जो है ना ये भी था, ये भी किसी ने भेजा था और उनका थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने अपने बेटे के लिए सिर्फ 4 सूट लिए हैं क्योंकि इसकी ग्राउज जो है ना वो बाकी दोनों से अलग है, तो ये बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इसके मैं कपड़े लेती जाऊंगी। 4th सूट इसकी नानों के पास है जो उन्होंने स्पेशल इसके लिए लिया था। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा है ना वो 9 साल का है माशाल्लाह से, उसके लिए मैंने इस तरह के कपड़े लिए थे, उसको पैंट शर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, ज़बरदस्ती पहनाऊँगी, पर उसको कमीज शलवार पसंद है, तो ये अच्छी बात है अगर उसको पसंद है। वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि बस मैं कमीज शलवार पहनूँ, कहता मामा मैं इसमें ईजी रहता हूँ। अच्छा, मैंने ना ये वाला सूट बनवाया था जो समर के लिहाज से थोड़ा सा गर्म है, विंटर स्टफ़ है ये, पर मुझे पहनना पड़ेगा क्योंकि मैंने ईद के लिए बनवाया था 1 मंथ पहले, तो इस पे बस मैंने लेसेस वगैरह लगवाई थी, इस तरह से डिज़ाइनिंग करवाई थी, और इसकी एक चादर है इतनी प्यारी सी। और ये मेरी अम्मी सास मुझे सूट ले के सिलवा के दे के गई थी, क्योंकि हमारी शॉपिंग ना अम्मी करती होती थी, हमें साथ लेके जाके सारी चीज़ें पूरी करती होती थी। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दें, हैर और हैरियत से उनको घर वापस लाएं। और ये जो है ना इस मेरा बहुत फेवरेट सूट है, और जो मेरी अम्मी ने लिया है वो भी आया नहीं है। तो यही थी आज की मेरी शॉपिंग जो मैंने कल की थी। हस्बैंड के कपड़े वो तो दर्जी के पास ही होंगे, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें इतनी मैंने नहीं ली, जैसे मेकअप हो गया, ज्वेलरी का मुझे शौक़ नहीं है। मेरी बेटी की जो ज्वेलरी है ना वो ज़्यादा जो है ना बाहर से आ जाती है। तो ये मेरा दुपट्टा था जिसमें मैंने चारों साइड लैस लगवाई थी और पाइपिंग से इसको कवर किया था। यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।